मैं हूं दीपक महाजन पठानकोट से और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ चैनल। आज डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा ने कर्फ्यू पास को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। जिला पठानकोट च अपने हुण तक 16 केस आ चुके ने, जिन्हां दे विच एक राजरानी होना दा परिवार दा सीगा, उस तो बाद एक नवा केस राजकुमार होना दा और तीसरा जिहड़ा है जसपाल ड्राइवर उन्हों का केस है। सो हूँ तक 16 केस पॉजिटिव अपने पठानकोट आए हैं। आने वाले दिनों दे विच असी करफ्यू नूं बहुत ज़्यादा सख्ती दे नाल लागू कर रहे हैं और जिहड़ा कि पहला सारे नूं सी भी 7 to 11 बजे तक असी आपां पहला भी जिहड़ा हुक्म जारी किया सी उहदे विच स्पष्ट किया गया सी कि 7 to 11 बजे तक सिर्फ होम डिलीवरी, चाहे वह करियाना है या चाहे वह दवाई की दुकान है, भी वह होम डिलीवरी करेंगे। लेकिन देखने से आया है कि कई लोगों ने 7 to 11 में यह समझ लिया भी शायद छोट है, स्कूटर मोटरसाइकिल कारा तो तुरे फिरते हैं। अज पुलिस ऑफिसर्स सारे बड़ी सख्त हदायत कर दी गई है कि यह हुक्म इन बिन पालू लागू होगा और ये किसी किस्म की 7 to 11 कोई छोट नहीं है और सारे अपने अपने घर ही रहेंगे। सिर्फ जे लोड़ है तो उन्होंने होम डिलीवरी राही अपने फोन पर दवाई या करियाना मंगवा सकते हैं। सो इस चीज़ में असी हम आने वाले दिन सख्ती लागू कर जा रहे हैं, खास करके पठानकोट शहर के जिथे कि भीड़ की कई बार मैं देखिए समस्या पैदा होती है। सो ये हुक्म असी तुरंत लागू कर रहे हैं। दूसरा ये देखने आया है कि काफ़ी लोगों ने बतौर वलंटीयर अपने आप को दस के और कुछ करियाना स्टोर वालिया ने और फार्मेसी वालिया ने ऑफलाइन पासिस साडे को लै यह कह के कि असी लोगों को जी होम डिलीवरी करांगे और वलंटीयर्स ने यह कहा भी असी घर घर जाके लोगों की सेवा करांगे, भी असी करियाने तो जिहड़ा समान लैके उन्होंने घर तक पहुँचावे ताकि लोगों को आने की लोड़ ना पवे। लेकिन देखने की आया जिथे कुछ एक लोगों ने तो ये जो जिस भावना ना पास लिया पूरा किया, लेकिन काफ़ी जने ने क्योंकि वो पास जिहड़े सीगे पूरे दिन लिए वैलिड सी, उन्होंने सारा दिन उन्होंने पासा नूं लैके कभी किसी सड़क पर जा कभी कितने नाके तो पास कर, सो उन्होंने इन्हों बहुत मिसयूज किया है। सो अज ये फैसला लैके जिन्हें पहला असी ऑफलाइन पासिस वलंटीयरस करियाना स्टोर और दवाई दिया दुकानों असी दिते सी वो एक बारी सारे, सो अज ये फैसला लैके जिन्हें पहला असी ऑफलाइन पासिस वलंटीयरस करियाना स्टोर और दवाई दिया दुकानों असी दिते सी वो एक बारी सारे दे सारे पास पुराने ऑफलाइन इन तिना कैटागरिया तुरंत पहले रद्द कर रहे हैं और SDM पठानकोट और जिला अपने फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर तिवाड़ी ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं उही जिहड़ियां दवाई दिया दुकाना ते करियाना दा स्टोर जिहड़े कि अपने नाँ दे नाल लिख के देंगे कि भी आह पंज बंदे साडी होम डिलीवरी करनगे, उन्हां नूं ही असी ई पास राही ऑनलाइन पास राही पास देवांगे और ये इंश्योर करांगे कि जिहड़ा बंदा ई पास लै रहा है वह एक हफ्ते लिए असी जारी करांगे और एक हफ्ते जो समीक्षा करांगे कि वाकई लोगों को घर डिलीवरी दे रहा है और ये वाले जिहड़े उन्हां दे नंबर होणगे ये असी व्हाट्सएप मैसेज राही भी सबनों सर्कुलेट करांगे। मेरा जिहड़ा कंट्रोल रूम का नंबर है जिहड़ा मैं अपने सारे नूं दिखा रहा है ये काइंडली नोट कर लैन, ये पहला भी असी शाया किए ने नंबर, इन्हां नंबरां ते मेरे कंट्रोल रूम के उत्ते असी ये लिस्टा भी रख देंगे, जे किसी नूं कोई प्रॉब्लम है खाण पीन की चीज़ नहीं मिल रही वो तुसी इत्थे सानूं दसो, असी वो सेवा चाहे खुद या किसी संबंधित करियाना या फार्मेसी तो तुहानूं उत्थे पहुँचावांगे। लेकिन शहर के बहुत ज़्यादा तोरा फेरा करन दी बिल्कुल किसी नूं आग्या नहीं होगी और इनू आने वाले दिनों असी बहुत सख्ती दे नाल लागू करांगे ताकि जिहड़े आने वाले साढ़े 10-15 दिन लॉकडाउन के हैगे ने वो पूरी तरह नाल लागू होण और साढ़े केस जिहड़े 16 तक होए ने इन्हां दी जिहड़ी मकदार है या गिनती है ज़्यादा ना वधे और इन्हां नूं असी कंट्रोल च रख सकीए, इहदे लई सख्ती करनी बहुत जरूरी है और ना चाहते हुए भी लोगों सानू इस तकलीफ चों जिहड़ा है लंघाउणा पै रहा है, लेकिन ये ताड़ी सेहत वास्ते सारे वास्ते जरूरी है
इस करके उम्मीद करदा वी तुसीं साडे नाल इस गल दा सहयोग करोगे और एक कुछ जिहड़े 10-15 दिन औखी घड़ी दे रह गए ने इन्हां नूं वी आपां उस हौसले नाल कढ लांगे जिस तरह दा आपां पहला समां कढ़िया। धन्यवाद। कैमरामैन अमन के साथ दीपक महाजन की स्पेशल रिपोर्ट और आप देखते रहिए ATV न्यूज़ चैनल।